आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कटारे सिस्टर्स में। आज इस वीडियो में हम बहुत ही सुंदर सलवार मोहरी डिज़ाइन बनाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। मोहरे बनाने के लिए हमें लेनी है कैनवास यानी कि बुकरम, जिसकी चौड़ाई 2.2 इंचेस है और लेंथ हमें लेनी है मोहरे की लेंथ से 3 इंचेस एक्स्ट्रा। अब हमें सीधी पट्टी कट करनी है और इसके ऊपर हम इसको पेस्ट करेंगे। इसे पेस्ट करने के बाद एक तरफ से हमें पूरा फैब्रिक कट करना है और दूसरी तरफ हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ है उसे मोड़ते हुए स्टिच करेंगे। अब हम दूसरी तरफ पाइपिंग निकालेंगे, जिसके लिए हमें सीधी पट्टी लेनी है और इसको हमें राइट साइड स्टिच करना है। हमें उतनी ही बुकरम सिलाई में दबानी है जितनी मोटी हमें पाइपिंग निकालनी है। अभी इस पट्टी को हम रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और पाइपिंग निकालेंगे। ये सिलाई बिल्कुल हमें पाइपिंग की साइड में लगानी है। इसी तरह से पूरी पाइपिंग निकाल लेंगे। देखिए हमने अच्छे से पाइपिंग निकाल ली है, ये रॉन्ग साइड होगी। अभी हमें सलवार की बॉटम लेनी है और हमें ध्यान रखना है ऊपर की तरफ होनी चाहिए राइट साइड, और जिस बुकरम पर हमें पाइपिंग निकालनी है उसकी भी हमें ऊपर की तरफ राइट साइड ही लेनी है। अभी हम इसे स्टिच करेंगे। ध्यान रखना है नीचे से हमें आधा आधा इंच फैब्रिक दबाते हुए इसे स्टिच करना है, और ये सिलाई बिल्कुल पाइपिंग की साइड में ही लगानी है। जब हमने एक सिलाई लगाई थी पाइपिंग को निकालते टाइम, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर ही हमें ये सिलाई लगानी है। अभी इसे रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और इसके ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने जो पाइपिंग निकाली है वो पाइपिंग अंडरग्राउंड निकलेगी और इसे काफ़ी सिंपल भी है निकालना। 1 फुट का गैप रखते हुए एक और सिलाई लगाएंगे। अभी हमें यहाँ पे लहरिया बनानी है। अब दूसरी तरफ बिल्कुल बुकरम के किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। आप चाहे तो रॉन्ग साइड से भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस सिलाई को राइट साइड से लगा रही हूँ क्योंकि फैब्रिक काफ़ी पतला है और मुझे दिख रहा है कि ये सिलाई कहाँ पे लगानी है। 1 फुट का गैप रखते हुए एक और सिलाई लगाएंगे और इसमें भी हम लगाएंगे बनाएंगे लहरिया। देखिए दोनों तरफ हमने अच्छे से लहरिया बना लिए हैं। अब हम बाकी बचे हुए पोछे को भी अच्छे से फिल करेंगे, जिसके लिए हमें 3 इंचेस के निशान लगाने हैं। पूरे पोछे पे हम 3 इंच के निशान लगाएंगे। अभी हमें ऊपर की तरफ इस तरह से हाफ सर्कल बनाना है, डॉट से डॉट को मिलाते हुए। देखिए बिल्कुल ऊपर की तरफ हम सिलाई पे ये नहीं मिला रही हैं, दोनों सिलाइयों के बीच गैप है। पहले हमने जो डॉट लगाए थे उसी के आगे हमें फिर से डॉट्स लगाने हैं। जैसे हमने पहले हाफ सर्कल बनाए थे, इस तरह भी हमें वैसे ही डॉट को डॉट से मिलाते हुए हाफ सर्कल बनाने हैं।
अभी हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी फिर से हमें सेम सिलाइयाँ ही लगानी है, लेकिन अभी हमें ध्यान रखना है जो हम सिलाई लगाएंगे उसको हम यहाँ पे आगे की तरफ लगाएंगे। वैसे ही हम हाफ सर्कल बना रहे हैं, लेकिन हम ये सिलाई आगे की तरफ ही लगा रहे हैं। दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है। अब ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी फिर से हमें यही प्रोसेस दोबारा करनी है। इस तरफ हमने 3 सिलाइयाँ लगाई है, दूसरी तरफ भी हम 3 सिलाइयाँ लगाएंगे। इस तरह से इस मोहरी डिज़ाइन को बनाने में हमने 6 सिलाइयाँ लगाई है, 3 एक तरफ और 3 दूसरी तरफ। देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनके रेडी है। अभी हम मोहरी को इस तरह से मोड़ेंगे। यहाँ पे हमें लेनी है मोहरी की चौड़ाई जो कि 6 इंचेस है। और यहाँ से ऊपर की तरफ हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है, यानी कि 7 इंचेस। और दोनों निशानों को मिला लेंगे। राइट साइड भी हमें बिल्कुल सेम तरीके से ही निशान लगाना है। अभी जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर हम लूप्स लगाएंगे, जिसके लिए हमें बनानी होगी डोरी, और इस डोरी के हम छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे। अभी इन पीसेस को देंगे हम लूप की शेप। बिल्कुल निशान के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। ऐसे ही हम सभी लूप्स लगा लेंगे। देखिए हमने सभी लूप्स लगा लिए हैं। अभी हम मोहरी को मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई बिल्कुल वहीं पे लगानी है जहाँ पे हमने लूप्स के ऊपर सिलाई लगाई थी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। देखिए ये हमारी मोहरी की राइट साइड है और ये हमारे लूप्स कुछ इस तरह से दिखेंगे। अभी हम लूप्स के ऊपर लगाने वाले हैं बीड्स। पहले हम निडल से लूप के ऊपर टाका लगाएंगे ताकि ये ऊपर की तरफ उठे ना। अभी मैंने ये एक मोती लिया है, इसको मैं लूप के ऊपर लगाऊंगी। आप चाहे तो मोती न लेकर इसके ऊपर बटन भी लगा सकते हैं। देखिए इसी तरह से हम सभी लूप्स पर बीड्स लगा लेंगे। सभी लूप्स पर हमने बीड्स लगा लिए हैं और हमारा मोहरी डिज़ाइन भी बनकर एकदम रेडी है। पूरा बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा।
अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket.